सो न्यू ईयर न्यू इंट्रो। सो 2022 आ चुका है और हम चाह रहे हैं कि हमें एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप मिले। अब यहाँ पर अच्छा लैपटॉप सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आपको लैपटॉप में कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग करना है और आपको लैपटॉप में बेसिक वेब ब्राउजिंग करना है और आपको कुछ वीडियोस देखना है यूट्यूब पर, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर मैं आज टॉप सबसे 5 शानदार लैपटॉप्स लाया हूँ, जिनमें कि आप इन सभी टास्क के साथ अपने लिटिल बिट गेमिंग को भी कर सकते हैं। साथ ही आप उस लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग भी बहुत ही आराम से कम 1080p पर कर ही सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप इससे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बेनिफिशियल महसूस करते हैं कि हाँ ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। यहाँ पे तो मैं बात करता हूँ 5वें नंबर लैपटॉप की, जो कि हमारा है एसर का एस्पायर 5। 1.5 kg का एक लैपटॉप मिलता है जो कि बहुत ही लाइट वेट है। आप इसे कहीं भी आराम से इजिली पोर्टेबल कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ 48 आवर की लिथियम आयन बैटरी के साथ आप इस लैपटॉप को आराम से 7 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। एंड आपको इस लैपटॉप में USB का टाइप सी पोर्ट मिलेगा। साथ ही आपको इस लैपटॉप में USB का 3.2, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इस लैपटॉप में 14 इंचेस का एक बहुत ही अमेजिंग फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है, जो कि बहुत ही ब्राइट है। ब्राइट का मीन्स कि आपको इस लैपटॉप में 81.6% की बॉडी रेशियो मिलती है, मतलब कि आपके बॉडी पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहेगा और आप इस लैपटॉप को आराम से लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको इस लैपटॉप में 8GB का रैम, जो कि आप 20GB तक उसे अपग्रेड कर सकते हैं। एंड आपको इस लैपटॉप में 256GB का M.2 PCI NVMe SSD मिलता है विथ 1TB की HDD के साथ, मतलब कि आपको इसमें काफ़ी बड़ी स्टोरेज मिलती है। आप इस लैपटॉप में अपने बड़े बड़े फाइल्स को, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को आराम से स्टोर कर सकते हैं। एंड आपको इस लैपटॉप में इंटेल का लेटेस्ट कोर i5 11th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, तो आप इस लैपटॉप में अपने डिफरेंट टास्क को बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेल का आयरिस XE ग्राफिक्स कार्ड के साथ, मतलब कि आपको इसमें कोई भी ऐसा लैग देखने को नहीं मिलेगा। आप इससे अपने टास्क को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। एंड आपको इस लैपटॉप में विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इस लैपटॉप में MS ऑफिस का 2021 वर्जन भी इनबिल्ट देखने को मिलेगा। 4वें नंबर लैपटॉप की मैं बात करता हूँ, जो कि हमारा है लेनोवो का आइडियापैड 3 लैपटॉप। आपको इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस का एक बहुत ही अमेजिंग फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कि आपको 250 nits का ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिलता है, मतलब कि आपको इस लैपटॉप में एक बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेगा, जिससे कि आप अपने टास्क को बहुत ही आराम से बहुत ही ब्राइटली कर सकते हैं। एंड सबसे अमेजिंग चीज़, इस लैपटॉप की वेट ओनली 1.65 kg की है, तो आप इस लैपटॉप को कहीं भी आराम से पोर्टेबल कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ बैकलिट कीबोर्ड के साथ आप इस लैपटॉप में अपने टाइपिंग को लेट नाइट भी कर सकते हैं, आपको इससे कोई भी ऐसा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। एंड आपको इस लैपटॉप में 3 सेल का 45 Wh की बैटरी मिलती है, जिसको कि आप रैपिड चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेनोवो आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीचर देता है, जो कि आपके लैपटॉप को 1 आवर में अप टू 80% तक चार्ज कर देगा। जी हाँ, ये बहुत ही स्पीडली चार्ज करता है और आप इस लैपटॉप को आराम से 7 to 8 hours यूज कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ AMD का राइजन 5 5500U 5th generation प्रोसेसर के साथ आप इस लैपटॉप में अपने टास्क को बहुत ही आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AMD के रेडॉन ग्राफिक्स कार्ड के साथ। साथ ही आपको इस लैपटॉप में 8GB का रैम मिलता है, जो कि आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। एंड आपको इस लैपटॉप में 512GB का M.2 PCI NVMe SSD भी मिलता है, मतलब कि आपकी लैपटॉप बहुत ही स्पीडली वर्क करने वाली है, आपको इस लैपटॉप में कोई भी ऐसा लैग देखने को नहीं मिलेगा। एंड आपको इस लैपटॉप में 2 ईयर का ऑन साइट वारंटी मिलता है, मतलब कि अगर आपका लैपटॉप खराब होता है तो जो लेनोवो वाले हैं वो आपके घर पे आकर उस लैपटॉप को रिपेयर करेंगे और ये 2 साल तक आप इसे कर सकते हैं। साथ ही आपको इस लैपटॉप में विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलेगा एंड आप इस लैपटॉप में अपने MS ऑफिस को भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, जो कि इससे थोड़ा सा ऊपर प्राइस का है,
जो कि हमारा है लेनोवो का थिंकबुक 15 इंचेस लैपटॉप। तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं, और मैं इन सभी लैपटॉप्स का जो बाय लिंक है नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ आसूस का एक बहुत ही शानदार लैपटॉप जो कि आपको 46,990 रुपीज़ में देखने को मिलता है, जो कि हमारा है आसूस का वीवोबुक K15 लैपटॉप। आपको इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस का एक बहुत ही अमेजिंग बैकलिट ओलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कि आपको 400 निट्स का ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें कि आपको जो कलर्स है वो बहुत ही ब्राइट दिखाई पड़ेगी, आपको वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर दिखाई पड़ेगा। एंड ये डिस्प्ले 85% की बॉडी रेशियो के साथ आता है, मतलब कि आपको इससे एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। आप इस लैपटॉप में अपने टास्क को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। एंड आपको इस लैपटॉप में 3 सेल का 45 वाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसमें कि आप इसे बहुत ही स्पीडली चार्ज कर सकते हैं और आप इसे आराम से 7 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ इंटेल का कोर i3 11th जनरेशन प्रोसेसर एंड इंटेल का आयरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप इस लैपटॉप में अपने टास्क को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आप इस लैपटॉप में कोडिंग, वेब ब्राउजिंग, आपकी जो होती है लिटिल बिट गेमिंग हुई, और आप इस लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं एक मीडियम लेवल तक। साथ ही आपको इस लैपटॉप में 8GB का रैम, जिसको कि आप 12GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। एंड आपको इस लैपटॉप में 256GB का M.2 PCIe NVMe SSD मिलता है, और सबसे अच्छी बात कि आपको इस लैपटॉप में एक जो है HDD स्लॉट भी मिलता है, जिससे कि आप बाद में जो है इस लैपटॉप में HDD लगा सकते हैं और अपने स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर लैपटॉप की मैं बात करता हूं, जो कि हमारा है HP का पेविलियन 14 इंचेस लैपटॉप। इस लैपटॉप की वेट ओनली 1.41 केजी की है, साथ ही आपको इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड भी देखने को मिलता है। एंड विद द हेल्प ऑफ 3 सेल का 43 वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी के साथ आप इस लैपटॉप को बहुत ही आराम से लगभग 7 आवर्स तक यूज कर ही सकते हैं। साथ ही आपको इस लैपटॉप में फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप अपने लैपटॉप को 30 मिनट में अप टू 50% तक चार्ज कर सकते हैं। एंड आपको इस लैपटॉप में AMD का Ryzen 5 5500U प्रोसेसर देखने को मिलता है, एंड विद द हेल्प ऑफ AMD की Radeon ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप इस लैपटॉप में अपने टास्क को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। साथ ही आपको इस लैपटॉप में 8GB का रैम प्लस 512GB का M.2 PCIe NVMe SSD एंड 1TB की HDD मिलती है। लास्टली मैं बात करता हूँ नंबर 1 लैपटॉप की, जो कि हमारा है HP का 15S EQ2040AU। तो यहाँ पर ये लैपटॉप काफ़ी शानदार है। इस टाइम पर इसकी प्राइस अमेज़ॉन पर है 57,000 की, बट ये लैपटॉप आपको ओनली 50,999 रुपीज़ में मिलने वाली है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको आना है रिलायंस डिजिटल पे, ठीक है, एक वेबसाइट है, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा 50,999 रुपये में, ठीक है। आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं इस लैपटॉप की जो वेट है ये ओनली 1.69 केजी की है। साथ ही आपको इस लैपटॉप में AMD का Ryzen 5 5500U प्रोसेसर भी देखने को मिलता है विथ AMD के Radeon ग्राफिक्स कार्ड के साथ। साथ ही आपको इस लैपटॉप में 8GB का रैम, जिसको कि आप 16GB तक अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको इस लैपटॉप में 512GB का M.2 PCIe NVMe SSD मिलता है विथ 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले के साथ, जो कि आपका 250 निट्स की ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। और आपको इस लैपटॉप में 3 सेल का 41 वाट आवर की बैटरी मिलती है, और आपको इस लैपटॉप में जो है लेटेस्ट टाइप्स का पोर्ट्स भी देखने को मिले। तो आप जो है यहाँ से इस लैपटॉप को ऑर्डर कर सकते हैं, और आप इस लैपटॉप को ओनली 50,999 रुपये में ले सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये टॉप 5 लैपटॉप्स पसंद आई होगी। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।